आज हम जिस टीम की बात करेंगे उसमें मेरे बड़े फेवरेट प्लेयर हैं, लेकिन उन पर बहुत ज्यादा तनकीद होती है जब वो T20 खेलते हैं, पता नहीं क्यों होती है, लेकिन वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड है। मैं बात कर रहा हूँ विराट कोहली की और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की IPL सीरीज में आज हम बात करेंगे सेकंड स्लिप में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। ये ऐसी टीम है जो एक सबसे मुझे लगता है सबसे स्ट्रॉन्ग टीम ये बनेगी आगे जाके। इसमें बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छे हैं, इसमें पेस अटैक, इसमें बॉलिंग, इसमें बैटिंग, हर चीज बहुत अच्छी है। IPL में बड़े से दिल बर्दाश्त होते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप टीम, हम तो अभी तो टीम देख रहे हैं ना, इस IPL में देखेंगे आगे जाके मैचेस होंगे क्या बनेगा, लेकिन जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उसमें फैफ डिप्लुसिस हैं, वो कैप्टनसी भी करेंगे, उसके बाद फिन एलन हैं, विल जैक्स हैं, उसके बाद डेविड विली हैं, ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल हैं, हसरंगा भी हैं, फिर ब्रेसवेल है, फिर जॉश हेजलवुड है और टॉपली भी है इंग्लैंड का प्लेयर। तो इसलिए अगर आप बैटिंग में देखें और पेस अटैक देखें, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पेस अटैक, फिर इसके ऑलराउंडर्स बड़े अच्छे हैं, कॉम्बिनेशन बड़े अच्छा है इस टीम का, विराट कोहली खुद इस टीम में शामिल है, तो ये ऐसी टीम है कि जो डेफिनेटली फाइनल खेलने वाली टीम है। क्या कहते हैं जी? नहीं, इस बार भी नहीं। विराट कोहली इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, फुल स्टॉप। बाबर आजम इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप बैट्समैन इन द वर्ल्ड, फुल स्टॉप। लेकिन इन दोनों के जो फैंस है ना, मैं खुद हूँ, टेस्ट और T20 ठीक है, टेस्ट और वनडे ठीक है, T20 के अब देखें, बाबर आजम जिस टीम में खेलता है T20 की, वो टीम सेमीफाइनल में रह जाती है या फाइनल में रह जाती है या क्वालिफाई। सेमीफाइनल में जाना गलत बात है नहीं भाई, एंड में फाइनल चलो यार IPL में डिस्कस करते हैं ना, हम IPL पे आ जाते हैं। अब विराट कोहली जैसा बैट्समैन और कैप्टन जो कि टेस्ट मैचों में शायद इंडिया ने प्रोड्यूस ना किया हो धोनी के अलावा एज अ कैप्टन, T20 में बाबर से वो बहुत बेहतर है, लेकिन वो जिस टीम में जाता है वो टीम में वो बेचारा एंकर बाबर से बेहतर है। विराट कोहली के सबसे ज्यादा रन है, दोनों की टीमें नहीं जीतती। अच्छा चले, अब आप टीम पर आ जाए भाई, छोड़े हाँ यार, टीम पे आ जाए, लेकिन हिस्टोरिकली टोटल 3 दफा वो 15 साल से खेल रहे हैं। मुझे बॉलर सिराज पसंद है जी, बहुत अच्छा बॉलर है, 15 साल से खेल रहे हैं, आज तक नहीं जीते, 3 दफा सेकंड है और आगे भी नहीं जीते, इस दफा भी नहीं जीतेंगे। हसरंगा बहुत अच्छा है, मुझे लगता है ये की इनका बॉलिंग जो है स्पिन बेहतर है इनका एज कम्पेयर टू दे फास्ट बॉलिंग अटैक। टॉपलेट ठीक है, लेकिन हसरंगा देखें वो बहुत जबरदस्त है, डेविड विली बहुत अच्छा बॉलर है, ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छा हसरंगा का थोड़ा सा इशू रहा PSL में, वहां तो मुझे लगता है खेल ही जाएगा। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है, मतलब अगर ग्लेन मैक्सवेल को खिलाते हैं तो बैट्समैन के तौर पर भी आप इस्तेमाल करें और बॉलर के तौर पर भी आप कर लें, और वो है, वो अपनी एक्सपीरियंस से काम चला लेता है। विराट कोहली जो है वो आपके मुताबिक, अब ये फैफ डुप्लेसी भी तो लायबिलिटी है, फैफ डुप्लेसी क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्या है, इनके ओवरसीज पिक्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपने मैच में तो चार फैफ डुप्लेसी तो नहीं है भाई, चार खिलाने हैं ना मैच में, बाकी 7 प्लेयर तो आपने इंडियन खिलाए, लेकिन वो फैफ डुप्लेसी अगर कैप्टनसी करता है उसमें क्या हसरंगा और साथ को दूसरा स्पिनर ले आते हैं तो फिर आप रह क्या के बैट्समैन क्या कहां से मैं बनाऊं, पहले क्या की ये टीम मुझे नहीं पसंद है। लेकिन फैफ जो है, फैफ जो है उसका IPL का रिकॉर्ड अच्छा है, वहाँ अच्छा खेलेगा और वहाँ रन्स भी अच्छे बनाएगा। आप IPL को PSL से कंपेयर ना करें, वहाँ बॉलिंग का वो स्टैंडर्ड आपको नहीं मिलेगा जो आपको PSL, इसलिए वहाँ पर बैट्समैन जो है क्लिक करेंगे, वहाँ बैट्समैन लंबे लंबे स्कोर करेंगे, वहाँ पर फैफ भी चलेगा, विराट भी अच्छा स्कोर करेगा, ग्लेन मैक्सवेल भी है इनके पास और दिनेश कार्तिक भी है इनके पास, तो इसलिए इनके पास कॉम्बिनेशन बड़े अच्छे बनते हैं। इन्होंने कहा ना कि इंडियन प्लेयर ही, इंडियन प्लेयर सारे हैं इनके पास मौजूद है। IPL को फॉलो करते हैं ना, वो इस टीम को चोकर्स कहते हैं। अब इंडिया में और क्या आपने चोकर्स का कप्तान इनका कप्तान बना दिया। अच्छा, इनकी इशू आपकी नजर में बड़ा क्या है यार, इतने अरसे से खेले जाओ और हमेशा लोग इसी पे नाराज होते हैं कि यार करीब जाके ना वो क्या कहते हैं हाथ को आया मुंह ना लगा। देखिए इनका पहले टूर्नामेंट से आप देख रहे हैं ना, इनकी टीम में हमेशा 2 या 3 वो प्लेयर होते हैं जो कि वनडे के बहुत आला प्लेयर होते हैं, बिग नेम, लेकिन वो T20 वाले प्लेयर नहीं है। सिलेक्शन में इशू है, सिलेक्शन का इशू है, ये वो बड़ी नपीतुली वो जो नहीं मंजे हुए प्लेयर और
लवी में खेलने वाले। अब विराट कोहली को अगर कोई कहे कि यार ये T20 का सूर्य कुमार यादव से या रोहित शर्मा से कंपेयर करे तो T20 में शायद नहीं, बाकी सारे फॉर्मेट्स उनको हरा देगा। क्या कहते हैं काशिप? देखें जिस तरह आपने कहा चोकर्स हैं तो वो चोकर्स नजर आते हैं कि चूंकि जीते नहीं, लेकिन अगर टीम नहीं, लेकिन अगर टीम का देखें ना जिस तरह साउथ अफ्रीका के बारे में कहते हैं, लेकिन कोई ये शक नहीं कर सकता कि साउथ अफ्रीका की हल्की टीम है, इसलिए टीम ये बड़ी जबरदस्त है, क्लिक कर सकती है और करना चाहिए इसको क्लिक। अब क्यों नहीं कर रही है हम आगे जाके आईपीएल के मैचेस में देखेंगे। चलिए जिफेन एलन एक मुझे लगता है अच्छी है, न्यूजीलैंड से है वो, विकेट कीपर था, 20 साल के बैटर है तो वो अच्छा है, वो एक अच्छी चॉइस है। चल जी आपको टीम कैसी लगी? ओके ओके के जाएगी, मेरा ख्याल है ही जाएगी, ये टॉप टीम में से होगी। नहीं होगी। चलो जी आपकी मर्जी, पहली चार में से तो होगी। चल जी मेरी तरफ से पहली चार में रखें इसको। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की आज बात हो गई, अब तक के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली एपिसोड का करें वेट, और कॉमेंट भी करें, बेल आइकन भी दबाएं। अगली एपिसोड जारी है आईपीएल सीरीज की।